It was conveyed to Dr. Farooq Abdullah Sahab by the Congress High Command that the Congress wants to support like-minded secular parties like the National Conference to strengthen the secular fabric of the state of Jammu and Kashmir and for the welfare of the people of Jammu, Kashmir and Ladakh. In continuation to that communication that was received from the Congress High Command through Janab G.A. Mir Sahab, the president of the party, a meeting was held for about, which started around 3 o'clock, about 5 hours of deliberations to work out the strategy on how to implement this on the ground, because this time is short and there are certain aberrations and those aberrations have to be worked out. We had a detailed discussion with our senior colleagues from the Congress, from the PDP, and we have tried to iron out certain issues, but this is very, very preliminary because this is the first stage and the working modalities are work in progress at the moment. हमने जम्मू कश्मीर के इस चुनाव में इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स लाइक माइंडेड पार्टी के साथ जो कि एक इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें कॉमन जो कैंडिडेट्स होते हैं कॉमन एनिमी राइवल्स होते हैं एनिमी तो कोई भी पॉलिटिक्स में होता उनके लिए हमने एक एडजस्टमेंट्स का प्रोसेस किया है जिसके लिए जो है वो अप्रूवल है कि हम कोशिश करें जो लाइक माइंडेड सेकुलर पार्टीज़ हैं नेशनल कांग्रेस अदर्स और भी कई ऐसी छोटे दल हो सकते हैं जम्मू और कश्मीर में ताकि हमारे कैंडिडेट जीत सके उसका फैसला लिया है हमने उसके बारे में आपस में विचार विमर्श किया यहाँ पे कैंडिडेट्स की सूटेबिलिटी को देखते हुए उसकी एडजस्टमेंट की बात करेंगे और ब्रॉडर एक जो है वो फॉर्मेशन होगी जिसमें जो है एक बेटर कैंडिडेट्स जो है निकल के आए इसलिए हमने उसमें वर्कआउट करने की बात की है। देखिए अभी हमारी जो जैसे राणा साहब ने कहा कि 5 घंटे मीटिंग चली है तो कल क्योंकि पहला फेस है और इलेक्शन कमीशन ने भी बड़ा शॉर्ट नोटिस पे ये अभी इन्होंने फैसला कर लिया और कोई पहले कोई फैसला इन्होंने किया भी नहीं था तो जब आज एक फैसला हुआ हमारी मीटिंग हुई और तीनों पार्टीज जो हैं अलायंस में हैं जो बैठे हैं हम और डिस्कशन हुई है और कल जो पहला फेस का जो कैंडिडेट हैं उस पर भी डिस्कशंस हुई हैं तो लिहाजा अभी हम कुछ नहीं कह सकते कभी कोई फाइनल तो हमारा नहीं हुआ लेकिन एक डिस्कशन हमने ज़रूर की है तो लिहाजा आगे भी मीटिंग होंगी और जैसे जैसे मीटिंग होंगी हम आपको वो कम्युनिकेट करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। मैंने आपसे कहा ये वर्क इन प्रोग्रेस है ये अभी एक सिलसिला शुरू हुआ है इसका आगाज़ हुआ है सबसे बड़ी आज जो बात है वो ये है कि कांग्रेस हाईकमान ने एक फैसला किया है कि जितनी भी जमातें जम्मू कश्मीर में हैं जो कि सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए काम करना चाहती हैं उनके साथ समर्थन देकर सांझे कैंडिडेट्स को लाने की कोशिश की जाएगी लेकिन ये अभी शुरुआत है इसमें कई चीज़ें होंगी जिन पर काम करना होगा। आज शुरुआती मीटिंग जो है वो 5 घंटे की हुई उसमें कांग्रेस के भी प्रतिनिधि थे पीडीपी के भी थे और हमारे प्रतिनिधि भी थे और हमने कोशिश की कि एक कंसेंसस इवॉल्व किया जाए कि कैसे काम किया जाएगा। ये काम चल रहा है ये कोई एक दिन का काम नहीं है अभी शुरुआत है पर बुनियादी तौर पे हमने आपस में ये ज़रूर फैसला किया है कि हमें इकट्ठे होकर जम्मू कश्मीर के लोगों को बेहतरीन कैंडिडेट्स देकर उनको जिताना है ताकि वो लोग अपने आप को जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करें। अपने अपने हैं लेकिन आपको 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 हम एक बात क्लियर कर दें एक बात हम क्लियर कर दें नहीं नहीं सुनिए हम एक बात आपको क्लियर कर दें कि ये अलायंस जो हुआ है खाली को इलेक्शन जीतने के लिए नहीं हुआ। हमारा ये अलायंस जो है जो लोगों को के साथ यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन हो रही है लोगों को जो सुना नहीं जा रहा लोगों की जो सुनवाई नहीं की जा रही उनके मसले और मसाइल हैं जैसे आपके सामने देखें डेली बेसिस सड़कों पे हैं मुलाजिम सड़कों पे हैं ट्रांसपोर्टर सब उनका तबाह हो गए हैं बिजनेसमैन तबाह हो गया है बेरोजगार बच्चे सड़कों पर हैं इन मुद्दों के लिए ये अलायंस हुआ है। ये खाली इलेक्शन जीतने को कोई कहे कि हम इलेक्शन जीतने के लिए यहाँ हम इकट्ठे हुए नहीं
या खाली यहाँ कैंडिडेट देने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, ये साढ़े पाँच घंटे हम यहाँ मीटिंग के, नहीं, बल्कि हमने जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों की तामीर और तरक्की के लिए बैठे हुए हैं, उसके लिए हम चाहते हैं कि एक अच्छा यहाँ पे एक इलेक्शन में रिजल्ट आए जिससे लोगों के काम हो सके और उनकी सुनवाई हो सके। भाई चौधरी जी ने कहा और भाई रविंद्र शर्मा जी ने कहा, ये हमने एक गठबंधन इसलिए नहीं बना रहे हम कि कोई हमें एक इलेक्शन या एक मुद्दा, हम सारे लोग बैठकर एक कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की बेहतर नुमाइंदगी हो और बेहतर लोगों को निज़ाम मिले, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए।